जिन बिंदुओं की तरफ आनंद साहब ने इशारा किया है, मेरे लिए बोलने कोई अवसर नहीं है, फिर भी दो तीन बिंदु क्योंकि आपके इस ऑगस्टस असेंबलीज का हम लाभ लेकर के हम चाहेंगे कि आपको उसके बारे में संकेत दे। आना जाना तो नौकरी में लगा ही रहता है। सुमित्रानंद पंत ने भी एक कविता की कुछ लाइनें हैं, यह शान उषा का आनंद आलिंगन विरह मिलन का चिरहास अशु में आनंद रही सिंह मानो जीवन, ये लगा रहेगा आना। और जिस ग्रेडिंग की बात आलम साहब ने कहा उसकी तरफ भी हम आपको ले चलता हूँ। इस असेंबलीज का लाभ लेते हुए हमको उसी पैमाने पर अपने को देखना है कि हम कहाँ हैं। सरकार की जो योजनाएं हैं उसे जन सहभागिता के साथ मूर्त रूप में लाने का सार्थक प्रयास करना ही हमारी इस टीम का उद्देश्य है। और बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, हम तो कटिंग एज से काम करते रहे हैं और नीचे से काम करके प्रमोशन पाते हुए हम आए, नज़दीक से चीज़ों को देखा है, 35 वर्षों से देखा है, 15 जिलों में देखा है। अब पहले वाली भूमिका कलेक्टर और एसपी की नहीं रहती, अब वी आर सॉल्यूशन प्रोवाइडर। जहां गतिरोध है, जहां समस्याएं हैं, उसका निदान ढूंढने में ही कलेक्टर और एसपी के नेतृत्व की जरूरत है। और वो निदान भी ढूंढना है ग्रासरूट लेवल से फीडबैक लेकर, ताकि उसमें एक्यूरेसी रहे, ट्रांसपेरेंसी हो। उस दृष्टिकोण से हम लोगों को एक टीम के रूप में कंधा से कंधा मिलाकर के आगे बढ़ना है, सार्थक प्रयास करना है। ये जो ग्रेडिंग हो रहा है उसमें जिला जो है सर्वोत्तम है। आप सब अनुभवी हैं, इफिशियंट भी हैं, प्रोफिशियंट भी होंगे, इसलिए आशा ही आप नहीं आप तो मुझे विश्वास है कि हम लोग अवश्य अच्छा करेंगे। और आलम साहब ने जिस तरह इशारा किया, जो कुछ काम छूटे हुए होंगे उसको भी हम लोग आगे निकालेंगे, और इससे आपको भी संतुष्टि होगी, हमें भी होगी। और आयुक्त के रूप में जा रहे हैं आलम साहब, ये भी सुनेंगे तो भी संतुष्टि। और लास्ट में मैं यही कहूँगा गीता के ऋचा से, ओम शरणावती शरण उपलब्धि शरण करता हुए मारू शांति।